हेलो दोस्तों, इंटीग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया दूंगा क्वेश्चन का, और उसके बाद धमाधम 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 शीट की बरसात कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, शीट निकालिए और शीट सॉल्व करिए टाइमिंग के साथ। आखिरी दिन है आज हमारे पास, तो आपको हर एक मिनट का हिसाब रखना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में मैंने किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सीखा था। मैंने आपको एक पूरा पूरा वीडियो दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉमर्स बाबा वाला वीडियो, जहां पर मैंने पैटर्न वाइज क्वेश्चन बांटे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपका रिवीजन का टाइम आ गया है अभी। 1 by x क्या होगा यहां पे? t। जब 1 by x t है, तो dt by dx क्या होगा यहां पर? माइनस 1 by x square। अब आपको अच्छी तरह पता है कि dx की वैल्यू हो गई यहां से, और यही वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि 1 by x square हो चुका है यहां पे, तो यहां पे आएगा आपके पास साइन स्क्वायर टी। dx की जगह क्या आ गया आपका? माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। और यहां पर भी क्या है? 1 by x square एक्सक्वायर कैंसिल हो गया, और यहां आएगा साइन स्क्वायर टी डी टी। साइन स्क्वायर का एज सच कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, जिसके फॉर्मूले आपको याद है उसी का इंटीग्रेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो क्या कर दूं उसको मैं, किस तरह चेंज करूं? 1 माइनस कॉस के फॉर्म में कुछ चेंज कर दूं, तो क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? यहाँ पर आपके पास माइनस साइन तो था ही, और आप चाहें तो माइनस साइन को कन्वर्ट करके और यहाँ पे साइन स्क्वायर फॉर्म लगा के लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t बाय 2, और यहाँ पे dt लिखा रहेगा। अब आपको सिंपल सा फंडा है, 1 बाय 2 को इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेट करना है आपको कॉस 2t को, यहाँ पर 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा dt के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर आएगा। और यहां पर आपको बस आखिरी स्टेप में t की जगह 1 by x डालना है। वैसे ही आपको ये क्वेश्चन है, जहां पर आपको रिड्यूस करने के लिए यहां पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे y स्क्वायर, यहां y स्क्वायर, यहां पे कुछ ऐसा कुछ आ जाए ताकि 4 बन जाए, लेकिन यहां पर आपको अच्छी तरह पता है कि 2 y स्क्वायर है। तो ऐसा क्या ऐड कर दूं कि नीचे की तरह सेम हो जाए, y स्क्वायर प्लस 4 बन जाए यहां पे? आपको पता है कि अगर मैं 8 ऐड करता हूं, 8 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो यहां पे बहुत आराम से काम बन जाएगा। क्योंकि अगर आप यहां पे y स्क्वायर, यहां पे अकेला है, यहां पे आपको 2 कॉमन निकालना ही पड़ेगा। 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 4 dy, और यहां पर आप सेपरेट कर देंगे इसको, तो आएगा 2 y स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 बाय y स्क्वायर प्लस 4 dy। तो अब आपने सेपरेटली इनको इंटीग्रेट किया, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये 8 y स्क्वायर प्लस 4 है, जो कि होगा y स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। और आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला बनता है, यहां से यहां पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस 2 dy माइनस 8 बाय y स्क्वायर प्लस 4 dy। क्या होता है यहां पे? आपको पता है कि 8 tan इनवर्स ऑफ y by 2, क्योंकि ये y square plus 2 square form है, मतलब a square plus x square form, जहाँ पर ये a by 2 के form में आंसर आ जाता है। और ये 2y का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 2y minus 8 times of tan inverse y by 2 plus c। plus c लगाना किसी भी question में मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने हटाया तो इसके नंबर कट जाएंगे आपके। 10 cube x, ये एक बहुत ही फेमस टाइप क्वेश्चन है, बार 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 पूछा गया एग्जाम में। मुझे लगता नहीं कि ऐसा क्वेश्चन इस बार अब आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन स्टिल बेसिक्स के लिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको मैंने बताया है मेरे कॉमर्स बा वाले वीडियो में कि आपको यहां पर ऐसी चीज को टी मानना रहता है, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही मौजूद रहता है। तो आपने यहां पे टेन को देखा और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो अब आपका आंसर, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पर आपके पास टी स्क्वायर वैल्यू है, नोट कर लीजिए प्लीज। देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जहां पर आपको दिख रहा है sec और cosec का फॉर्म। कोई भी आइडेंटिटी इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रही है, इसी कारण से इसको हम चेंज करेंगे पहले। तो अब
अब देखिए आप यहाँ पे एक फॉर्म बन रहा है, अब आप बताइए कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ रहा है, इसको हमको अब पार्शियल फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं cos x मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास आएगा, अब अगर मैं यहां पर cos x को t मान लूं या sin x को t मान लूं, तो समझना पड़ेगा कि किस चीज से मुझे आंसर मिल रहा है। तो आपको अगर मैं sin x से t मानता हूं तो ये देखना पड़ेगा कि dt by dx क्या है, cos x, ये इजिली रिप्लेसेबल है। लेकिन अगर मैं यहां पे cos x को t मानता तो एक जबरदस्ती का नेगेटिव साइन मेरे क्वेश्चन में आ जाता। तो यहां पर मैं ले रहा हूं यहां पे कि t और यहां पे dx is equal to और यहां पे dt is equal to, अब ये cos dx को मैं dt मान सकता हूं। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पर मेरा 1 माइनस साइन टी है, तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स तो यहां पर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक फॉर्म तो मेरा 1 माइनस साइन का रहेगा और दूसरा फॉर्म रहेगा मेरा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से इस क्वेश्चन ने मोड ले लिया है पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ, जहां पर इसको लिखा जाएगा ए बाय एलसीएम। कैसे लेना है पता है आप लोगों को, कि यहां पर रहेगा टी, यहां पर आएगा। अब आपको सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। यहां पर आपको पता है कि हम यहां पर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और 0, 1 से कंपेयर करते हैं। यहां पर 0 प्लस टी लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू पुट करते हैं और ए की वैल्यू आएगी। मैंने ये पूरा मेथड सिखाया है अपने वीडियो में, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज डू चेक। अब यही वैल्यू ए बी सी में रख देंगे और आपका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए।